हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रेडमी नोट 10 डिवाइस में रेडमी की तरफ से MIUI 13 का यहाँ पे एक नया अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी न्यू अपडेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। एंड इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहां पे देखने को मिला है, साथ ही इस न्यू अपडेट का वर्जन एंड साइज़ क्या देखने को मिला है, और इस न्यू अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे, तो ओवरऑल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर Redmi Note 10 डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आप में से काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइस में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली इस न्यू अपडेट के बाद यहाँ पे जितने भी बग्स थे, तो फाइनली उन सभी बग्स को इस न्यू अपडेट के बाद यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, Redmi Note 10 डिवाइस में Redmi की तरफ से MIUI 13.0.3.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर यहाँ पे ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। एंड इस अपडेट का साइज आपको यहाँ पे 66 MB देखने को मिला है, जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इस नए अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे ही अपने डिवाइस में स्नैप डेट को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में सेप्टेम्बर के मंथ का यहाँ पे एकदम न्यू सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है Redmi Note 10 यूजर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को गेमिंग में पहले के कंपैरिजन में अब और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे Redmi Note 10 यूजर्स में से काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइसेस में बैटरी ड्रेन का यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली MIUI 13.0.3.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के यहाँ पे बैटरी ड्रेन इशू को फिक्स कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस MIUI 13.0.3.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में अब और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप लोगों को Redmi Note 10 डिवाइस में ये सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स को Redmi की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि स्नैप डेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है, एंड लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 13.0.3.0 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा, एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।